हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माय सेल्फ साहिबा। तो हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यूनिट सेकंड का। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर सेकंड है ये हमारा, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है हमारा वो देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कोई चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें। सबसे पहले हमें चाहिए वॉटर, पानी ले लिया, मिल्क चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, चीनी, शुगर ले ली, चाय पत्ती चाहिए यानी कि टी लीव्स ले ली। इन सब को जब हमने मिक्स कर दिया तो क्या बना हमारा, चाय बन गई, चाय बन गई। तो अब जो इसमें चाय बनाने के लिए हमारे कौन कौन से सब्सटेंस को हमने यूज करा, जैसे कि हमारा चाय पत्ती हो गई, शुगर हो गई, इन सबको हमने मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, डिजोल्व है एक तरीके से इसमें। तो जो हमारी टी है, जो पूरा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको हम बोलेंगे बॉडी फ्लूइड। जैसे हमारी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सपोज जैसे हमारा ब्लड है, तो ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट है, जैसे कि प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और हमारा जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन सबको मिलाकर हमने उसको क्या बोल दिया, ब्लड। वो क्या है, फ्लूड है, तो उसको ही हम बोलेंगे बॉडी फ्लूड, जो पूरी कंपोजिशन बन गई। अब उसमें जो हमने सब्सटेंस का यूज करा है, जो उसमें क्या है, डिजोल्व है, जैसे कि हमारा ब्लड है, तो अगर उसमें जो चीजें डिजोल्व है तो उनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो हमारी चीजें हमने सब इसमें ऐड करी है, वो हमारे क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये हमारे सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होंगे, कि जो भी हमारा बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उसमें जो हमारे आयन डिसॉल्व होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम देख लेंगे कि जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होता है, कौन कौन से हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, जैसे आप सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है, हमारा 70% वो क्या है, वाटर से मिलकर बनी है। जो हमारी बॉडी का 70% जो पार्ट है वो क्या है, हमारा वाटर है, और जो बाकी का 30% है वो हमारी और सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मेनली हमारी बॉडी क्या है, बॉडी फ्लूइड से ही मिलकर बनी है। तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो दो कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर एंड हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, इंट्रा सेलुलर, और सेकंड है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर, जैसे कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, इंट्रा का मतलब होता है यानी कि अंदर की तरफ, और सेलुलर मतलब होती है हमारी सेल। तो ऐसा फ्लूड जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड। जैसे आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, जैसे कि आपने जो एचईपी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा सेल के ऊपर ही है, तो उसमें आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा कि जो हमारी सेल है वो क्या होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मेनली क्या है, सेल प्रेजेंट होती है, तो जो फ्लूइड हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 45 से हमारा 50% जो बॉडी फ्लूइड होता है वो इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी कि हमारी सेल के बाहर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, सेलुलर मतलब सेल, जो हमारी सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, दूसरा हमारा होता है प्लाज्मा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हो गया सेल के बाहर। अब जो हमारी इंटरस्टीशियल फ्लूइड है तो वो क्या है, दो सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा। जैसे जो हमारा इंटरसेलुलर था, इस तरीके की अगर हमारी ये कोई सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, इंट्रा सेलुलर यानी कि हमारा हो जाएगा इंट्रा सेलुलर, और जो इसके बाहर प्रेजेंट होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये कोई एक और सेल है यहां पर, तो इसके बीच में ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड। तो यानी कि दो सेल के बीच का जो पार्ट होता है उसके बीच में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टीशियल फ्लूइड। ये हमारा कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है,
लगभग 12 से 15% तक जो हमारा फ्लूड होता है वो इंटरस्टीशियल फ्लूड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बाकी दूसरा है हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा देखो क्या है, आपको पता है प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड का एक पार्ट है। जैसे कि हमारा जो ब्लड है, अगर हम उसमें से सेल को अलग कर दें, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हटाकर अगर हम देखें, तो जो हमारे ब्लड में जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो वेस्कुलर फ्लूड होता है, वो क्या है, प्लाज्मा फ्लूड होता है हमारा, जो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमारा, लगभग होता है 4 से 5% तक। ठीक है, 4 से 5% तक जो फ्लूड प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा। इस तरीके से जो हमारा बॉडी फ्लूड है वो डिवाइड होता है इंट्रा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर, दो तरीके का होता है हमारा, इंटरस्टीशियल फ्लूड एंड प्लाज्मा फ्लूड। ठीक है, तो अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, इन फ्लूड के अंदर जो हमारा जो फ्लूड की कंपोजिशन होती है, जो हमारे आयन डिजोल्व होते हैं, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारा डिजोल्व हो जाता है, यानी कि अगर हम उसको किसी सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है आयन्स में, किसमें होता है, कैटायन्स में और एनायन्स में। तो हम वो देख लेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो किस तरीके के होते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है, एक मॉलिक्यूल्स होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तो इनको हमने क्या करा, डिजोल्व कर दिया हमने। जब ये डिजोल्व होते हैं सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयन्स में, डिसोसिएट या सेपरेट। तो सेपरेट किसमें होंगे, ये आयन्स में सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हो गए कैटायन्स और एनायन्स। ठीक है, कैटायन और एनायन में ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कैटायन यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन यानी कि जिनके ऊपर हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जो हमारी बॉडी में जो कैटायन प्रेजेंट होते हैं, तो कैटायन्स देख लेंगे हमारे कौन से होते हैं, कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे आयन होते हैं, वो है हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और भी होते हैं। तो ये हमारे क्या है, कैटायन है, जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें अपने एनायन की, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो कौन से होंगे हमारे, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, हमारा हो गया बाइकार्बोनेट HCO3-, ये हमारे क्या है, बाइकार्बोनेट। तो ये हमारे क्या है, एनायन्स है, जिनके ऊपर हमारा माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो अब हम इनको पढ़ेंगे। जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इनका हमारा सोर्स कहाँ से है, जैसे हम बात कर लें अगर अपने कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की बात कर लें, तो इसका हमें पढ़ना है जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ मेजर आयन्स, यानी कि जो हमारे आयन्स हैं ये, इनके हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि जो कैल्शियम है वो हमारा हेल्प करता है हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, हमारे टीथ फॉर्मेशन में, टीथ हमारे स्ट्रांग रहते हैं कैल्शियम की वजह से। ब्लड जो हमारा क्लॉट होता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है हमारा कैल्शियम। तो उसका हमें पढ़ना है सोर्स, यानी कि ये हमें किस जो हम अपना डाइट लेते हैं, तो किससे प्राप्त होता है हमारा कैल्शियम, इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन सारे के सोर्स पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट के फंक्शंस की, तो ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करते हैं, तो फर्स्ट होता है यानी कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारा ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल में, उसको मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा होता है हमारा बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना। जो हमारे आयन्स हैं वो क्या है, फ्लूड है, तो फ्लूड है तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा पीएच लेवल होगा। तो यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब एसिडिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो वो उसको मेंटेन करके रखें, यानी कि ज्यादा एसिड भी ना हो, ज्यादा बेस भी ना हो, एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ब्लड कोगुलेशन में, ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है कि ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी बॉडी में अगर कहीं चोट लग गई तो ब्लड निकलता ही जा रहा है, ब्लड का थक्का बन जाता है, तो ब्लड का एक तरीके से क्या होगा, क्लॉट बन गया, यानी कि ब्लड हमारा जमने लग जाता है। तो उसमें हमारे जो ब्लड जमता है उसमें हमारा कौन हेल्प करता है, हमारा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है,
सॉरी हमारा जो पोटेशियम और कैल्शियम है ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड कोगुलेशन में, यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए इलेक्ट्रोलाइट के, और हमने देख लिया ये किस तरीके का होता है, कैटायन प्रेजेंट होते हैं, एनायन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, और ये हमें किस सोर्स से मिलते हैं।